स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। वक्त है अब तक की 15 बड़ी खबरें जानने का। साध्वी प्रज्ञा का नोटिस, करकरे बयान पर ईसी ने मांगा 24 घंटे में जवाब। मोदी की बायोपिक के बाद अब वेब सीरीज भी आई चपेट में, चुनाव आयोग ने किया बैन। प्रकाश अंबेडकर ने साध्वी प्रज्ञा को बताया कसाब की तरह आतंकी। अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन में गड़बड़ी का दावा, उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। मायावती ने रैली में कहा कि सभी चौकीदार मिलकर कुछ भी कर लें लेकिन जीत नहीं पाएंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने नामांकन से पहले लिया शंकराचार्य का आशीर्वाद। कीर्ति आजाद ने भरा धनबाद से नामांकन, महागठबंधन के बड़े नेता नहीं थे मौजूद। महंगा हुआ लोकसभा चुनाव, प्रदेश में खर्च होंगे 260 करोड़ रुपए। अजीत योगी ने कहा ठेकेदारी के लालच में कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं पार्टी। सिद्धू ने कहा कि देश विरोधी है पीएम, प्राइवेट कंपनियों को पहुंचाया फायदा। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को लगा बड़ा झटका, बटलर ने छोड़ा साथ। अजिंक्य रहाणे को हटा, स्टीव स्मिथ को सौंपी गई राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी। वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लिया एलेक्स हेल्स ने। भारत मूवी का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, कई अलग लुक्स में दिखे सलमान खान। शूटिंग के दौरान विक्की कौशल हुए घायल, चेहरे पर लगे 13 टाके। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।